हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2021 का फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो लिस्ट ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन CUET 2021, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2021 पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन ये स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीजर है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए फ़ीस रहेगी 800 रुपये, जनरल EWS OBC के लिए रहेगी, SC ST के लिए 350 और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, या एडिशनल पेपर्स के लिए हैं, तो ये कुछ जानकारी हैं वो आप जुटा सकते हैं। तो उसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा नीचे सर्किल करेंगे तो यहाँ पे आई इस पर टिक करके एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह की सारी डिटेल्स फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देखते जाएं। जैसे रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, फी पेमेंट है, ये जो चार ऑप्शन है ये सारे ग्रीन होते जाएं। अगर इस तरह का ऑप्शन आप कंप्लीट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद में आप चाहे तो लॉगिन भी करके ये जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं कि आपका लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और CUET से संबंधित इसी प्रकार के और कोई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।